धनबाद जिले के झरिया थाना अंतर्गत एना बस्ती में गुरुवार की रात दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना घटी है। इस दौरान झरिया उत्थान मोर्चा के अध्यक्ष सह बीजेपी युवा नेता रिंकू शर्मा सहित कई लोग चोटिल हो गए। मारपीट की सूचना मिलने के बाद झरिया पुलिस एना बस्ती पहुंची, रिंकू शर्मा को हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से 6 बाइक भी जब्त किए हैं। मारपीट का कारण यहां से कोयला चोरी बताया जा रहा है। हालांकि झरिया पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने झरिया थाना में शिकायत की है। एक और जहां एना बस्ती के 2 महिलाओं ने रिंकू शर्मा सहित अन्य के खिलाफ दुष्कर्म के नियत से छेड़खानी करने की शिकायत की है, वहीं रिंकू शर्मा ने कोयला चोरी का विरोध करने पर पिटाई की बात कह रहे हैं। बताया जाता है कि गुरुवार की रात रिंकू शर्मा आधा दर्जन मोटरसाइकिल पर सवार होकर कई लोग एना बस्ती के समीप एक खाली स्थान पर गए। इसके बाद रिंकू का विवाद स्थानीय लोगों के साथ हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट होने लगी। ग्रामीणों को अपनी ओर टूटते देख रिंकू शर्मा समर्थक फरार हो गए, जबकि रिंकू शर्मा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, जहां उनकी भरदम पिटाई हो गई। रिंकू शर्मा का कहना है कि एना बस्ती में कोयला चोरी होती है, इसकी सूचना सिटी SP को दी। SP ने सही लोकेशन देने को कहा। जब मोटरसाइकिल से अपने कई भाजपा समर्थकों के साथ वहां पहुंचा तो वे लोग पिटाई करने लगे। सिटी SP मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं एना बस्ती की एक महिला का आरोप है कि एना खाली स्थान पर कुछ महिलाएं शौच करने जाती है। गुरुवार की रात कुछ महिलाएं शौच कर रही थी, तभी रिंकू शर्मा सहित 1 दर्जन से अधिक लोग बाइक लेकर वहां पहुंचे। इसके बाद सुनसान इलाका देख महिलाओं से छेड़खानी करने लगे। शोर मचाने पर बस्ती के लोग वहां पहुंचे और मुझे बचाया। महापौर को जानकारी दिया था और सिटी SP को जब हमने कल सूचना दिया, आज भी हमने फोन किया, तो कहे कि सटीक सूचना दीजिए कहाँ कोयला चोर लोग जो है। तो हम अपने भाजपा के 15-20 समर्थकों के साथ वहाँ गए। तत्पश्चात कुछ ट्रक थी वहाँ पे खड़े, तो ट्रक सब भाग निकले और जो है वहाँ पे कोयला चोरों द्वारा हम लोगों पे जानलेवा हमला कर दिया गया। और अभी जब थाने पे आए हैं तो पुलिस हम ही लोग से ऐसा व्यवहार कर रही है। 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया था लोकल थाने को। आज किसको इन्फॉर्म? आज हमने सिटी SP साहब को इन्फॉर्म किया। सिटी SP साहब पहुँचे? नहीं, सिटी SP साहब बोले कि नहीं, आप सटीक सूचना दीजिए, जो है सही जानकारी दीजिए, हम पहुंचेंगे, छापा मारेंगे वहाँ पर। आप लोग कैसे पहुंच गए वहाँ पे? हम लोग वहाँ पे अपने भाजपा के 10-15 समर्थकों के साथ गए थे, पार्टी समर्थक लोग। आपके ऊपर वहाँ की महिलाएं छेड़खानी के आरोप लगा रही है? नहीं, वो तो देखिए यहाँ पर वो तो नियम है कि भाई कोयला चोरी जो है वो तो सरकार के संरक्षण में चल रही है, और थाना तो भाई सरकार का ही होता है। अब भाई जॉब कर दे जो है वहाँ पर, वो लोग भी कोयला चोर ये बात भी बोले थे कि भाई यहाँ पर आए हो तो छेड़खानी का केस जो है कर देंगे। पूर्व में भी कुछ कार्यकर्ताओं पे छेड़खानी का केस जो है कराया गया है। क्या लग रहा है, गलत या सही? ये तो आप लोग मीडिया के बंधु हैं, तो आप लोग सभी जान रहे हैं जो है क्या स्थिति है। तो अभी 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 आप थाना आए हैं, तो अभी थाना से क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, हमारे साथ जो घटना हुई हम लिखित दे रहे हैं। कितने बाइक जब्त हुआ है? वो बाइक हम ही लोग समर्थकों का, हम लोग पे जानलेवा हमला भी हुआ, तत्पश्चात हम लोग समर्थक जो है बाइक छोड़ के भागे, उसी में बाइक को ले आ गया था। आंख में मारेगा तो आंख तो चुन रहे करेगा कि है जानते हैं। कहाँ पे कौन था? परसा के परस है, वहाँ पर कॉलोनी में रहता है। अच्छा, आएगा पूरी है कौन? रिंकू शर्मा। अच्छा, इन लोग के हम चिंते हैं और अंधार में के रहे। क्या किया आपके साथ? हमको साथ पकड़ धकड़ करता है। कहाँ पे? लेटरिंग किया रहा था रोड के आगे। अच्छा, ये लोग वहाँ क्या करने गया था? क्या करने गए? बाइक से क्या करने गए? एकदम घेर लिया पूरा एकदम। कितना आदमी था? ढेर आदमी था। अच्छा, आप लोग कितना आदमी थे? हम लोग 4-5 हो रहे। तो सब गए थे शौच करने? हाँ, तो लेटरिंग करेगा तो अंधार सबने जाएगा। अच्छा, हम लोग अकेले गए, तो हम लोग 4-5 को गए बुरी सूरी लेटरिंग करने। उधर गए तो भाई देखे तो 4-5 को एकदम गाड़ी लेकर के एकदम पूरा घेर रहा था। हम लोग भारतीय आपके साथ में बुलाओ, जो लोग फाड़ फूड हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। और किसके साथ हुआ है? और किसके साथ? भागा हल्ला करने लगे।